faccia che ho fatto nello specchio di quest'altro te. Perciò, caro. किशनगढ़ थाना इलाके में बीती रात पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने गर्भवती महिला सहित उसके पति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित परिवार ने किशनगढ़ थाना पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित सुमेर सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती है, जो सोमवार रात को घर के बाहर टहल रही थी। इसी बीच हितेश रसूल और उसके कुछ साथियों ने हथियारों से लैस होकर उस पर हमला कर दिया, जिससे सुमेर के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। बहरहाल सुमेर ने किशनगंज थाना पुलिस ने आरोपी रसूल और रितेश सहित उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। हाँ, घर में घुस के मारपीट करी, तो इतनी देर में आस पड़ोस में तो आवाज पहुंचती है, 38-38 गज के छोटे मकान है हमारे, तो इतनी देर में जैसे ही वो मोहल्ले वाले आने लगे तो इतनी देर में सब जने भागे थे। हम वैशाली नगर गांधी गेरे में, और बाहर जाते जाते मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको भी पूरी को तोड़ गया। पुलिस ने किसी को पकड़ा नहीं? पुलिस ने अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा, और हम चाहते हैं कि इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ भी कोई कारण नहीं था, बस खाली कल रात को हमने रिपोर्ट लिखवा दी थी ना उसके भाई की, छोटे भाई की, यानी कि चाचा के लड़के की, तो उसने कहा रिपोर्ट क्यों लिखवाई तुमने, कि तुम्हें रिपोर्ट नहीं लिखवानी चाहिए, कि हम तो है ना थाने में पैसे देके या कैसे भी, हमारे राजनीति सपोर्ट उनका ज़्यादा है, तो वो कह रहे राजनीति सपोर्ट से हम कैसे भी वापस बाहर आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा थाना? हमने लिखवाई किशनगंज थाने में। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।